हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर, ये है नोकिया का मोबाइल और इसमें आप वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जिसमें आपको लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड एक ही वॉलपेपर, अगर आप एक ही वॉलपेपर दोनों पर सेटअप करना चाहते हो, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, तो ये भी आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग ऊपर करना है, फिर यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर गैलरी, फोटो एंड वॉलपेपर का ऑप्शन है, तो वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वॉलपेपर को अप्लाई करेंगे। और इसे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं होम स्क्रीन पे क्लिक कर रही हूँ और ये जो है होम बटन पे क्लिक करेंगे और ये अप्लाई हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर जो वॉलपेपर है। यहाँ पर एक और शॉर्टकट तरीका की बात करूँ तो आपको लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर वॉलपेपर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर नेक्स्ट वॉलपेपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर ये वॉलपेपर अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर लॉक करेंगे और लॉक स्क्रीन पर ये जो वॉलपेपर है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर ये वॉलपेपर लग चुका है। अगर यहाँ पर फोटो की बात करूँ तो यहाँ पर आप फोटो भी सेटअप कर सकते हैं और जैसे कि माई फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो की बात करूँ तो इसके लिए आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे और माय वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर गैलरी या फोटो पे क्लिक कर सकते हैं। जिसकी मैं फोटो पे क्लिक कर रही हूँ और ये जो फोटो है यहाँ पर मैंने सेटअप किया, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो फोटो है वो यहाँ पर आ चुका है और मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊँ आपको। और फोटो देख लेते हैं, यहाँ पर फोटो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट फोटो देख लेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो है ये सेट वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने तीन ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है, जैसे कि होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन का ये लास्ट ऑप्शन था, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही वॉलपेपर दोनों पर यहाँ पर सेटअप हो जाता है। जैसे कि आपको लॉक करके दिखाऊँ, लॉक स्क्रीन पर ये जो वॉलपेपर है देखने को मिलेगा और होम स्क्रीन पर सेम वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप वॉलपेपर्स को अप्लाई कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।